शाम हो गई है और हम बद्रीनाथ धाम पहुँचे हैं। वैसे तो पहुँचे थे दिन में ही, लेकिन हम सीधा माना गाँव चले गए थे और माना गाँव से आगे वसुधरा फॉल चले गए थे। लेकिन अब शाम हो गई है तो हम सीधा बद्रीनाथ धाम मंदिर जा रहे हैं। रास्ते में ये पार्किंग वाली जगह है, भीड़ भाड़ यहाँ पर कम है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में भीड़ कम है, मंदिर के पास भीड़ ज़्यादा होना चाहिए। बद्रीनाथ उत्तराखंड में चमोली ज़िले में स्थित एक हिंदू शहर और एक नगर पंचायत है। यह 11,204 फीट मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये धाम काफ़ी सुंदर वातावरण है, यहाँ पे भीड़ कम है, जिसके कारण से काफ़ी आराम से हम जा रहे हैं। और बद्रीनाथ एक पवित्र हिंदू तीर्थ है जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में 3,415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऋषिकेश से लगभग 301 किलोमीटर और दिल्ली से 525 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ अगर आपको जाना है तो अगर आप हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आएँ, जो कि देहरादून में है। और अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन होगा वो ऋषिकेश का होगा। हरिद्वार भी 324 किलोमीटर है, कोटद्वार भी 327 किलोमीटर है। उसके बाद आप बस या कैब से या अपनी गाड़ी से सड़क मार्ग के द्वारा आप आसानी से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ के लिए आपको बस जो है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, जोशीमठ, गढ़वाल, हर क्षेत्र से आपको बस की सुविधा उपलब्ध है। शाम का वक्त है, मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये सोचा कि अभी शाम को एक बार मंदिर का दर्शन करेंगे। रात्रि विश्राम हमारा बद्रीनाथ धाम में ही है और सुबह में भी चल के स्नान ध्यान करके मंदिर में पूजा करेंगे। बद्रीनाथ धाम की एक खासियत है कि यहाँ पे हमें ज़्यादा पैदल नहीं चलना है, गाड़ी जो हमारी है वो मंदिर के आसपास तक पहुँच जाती है। और काफ़ी ज़्यादा होटल, धर्मशालाएँ, टेंट हाउस, यहाँ रहने की सुविधा है। तो बद्रीनाथ मंदिर की तरफ हम चल रहे हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं अलकनंदा नदी, बिल्कुल इसके तट पे ये मंदिर है बद्रीनाथ। एक चीज़ और खासियत है, यहाँ पे गर्म कुंड है और गर्म कुंड में आप ठंड है फिर भी आप स्नान यहाँ करेंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे तो हम जून महीने में सफ़र कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की 10 तारीख के आसपास, लेकिन जो सही समय है वो सितंबर और अक्टूबर का समय है बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने का, क्योंकि इस समय बद्रीनाथ धाम जाने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या मई जून की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से होटल वगैरह को लेकर कोई तकलीफ़ नहीं होता है और बहुत ही आसानी से, वैसे अभी भी कोई तकलीफ़ नहीं है मई जून महीने में। जून 10 तारीख का हमारा ये सफ़र है, लेकिन मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ काफ़ी लंबी लगी हुई है। लगभग 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है, शाम के लगभग 7:30 हो रहे हैं और हम अभी आए हैं। सिर्फ मंदिर के पास ही हमारा होटल है तो हमने ये सोचा कि एक बार मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, अभी शाम को मौका लगेगा तो गर्म कुंड में स्नान भी कर लेंगे और मंदिर में पूजा भी कर लेंगे। और अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो अभी हम सिर्फ घूम करके और सुबह में फिर हम पूजा पाठ करेंगे। तो मंदिर के नज़दीक बिल्कुल हम आ चुके हैं और ये जो अलकनंदा नदी का जो तट है इसी पे वो गर्म पानी का कुंड भी है। तो हमारी ये प्लानिंग है कि एक बार ज़रा देखा जाए नज़दीक से, काफ़ी रमणीक दृश्य है, काफ़ी सुंदर दृश्य है, यहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और व्यवस्थाएं यहाँ पे जो हमें देखने को मिला वो काफ़ी अच्छा है। कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से लोग बैठे हैं, पूजा पाठ में मगन है, हर तरफ चौक चाबंद व्यवस्था है। और बद्रीनाथ धाम आने के बाद काफ़ी सुकून मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबी पहाड़ी रास्तों से हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ आने के बाद भीड़ कम है तो इससे और थोड़ा मन को सुकून मिला। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और दूर दराज से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो ठंड से बचने के लिए, और अगर गर्म कुंड में भीड़ कम है अभी दिख रहा है
तो हमने ये सोचा कि एक बार गर्म कुंड में स्नान कर लिया जाए। धीरे धीरे हम गर्म कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए गर्म कुंड में साबुन लगाना मना है, और ये पानी देखिए कितना तेज गर्म कुंड से ये वापस निकल रहा है, क्योंकि कुछ लोग नहा रहे हैं और यहाँ पे धुआं धुआं हो रखा है। ये जो गर्म पानी से जो निकलता है वापस, तो वो निकल रहा है। ये गर्म कुंड है, ये वाला एरिया महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग कुंड है, जहाँ पे अभी पूरा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। बारिश भी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो इस बूंदाबांदी में अब हम ये पहले छुप करके बैठते हैं कि बारिश में भीग ना जाएं, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है। और ये पुरुष का कुंड है, तो पहले हम थोड़ा यहाँ पे नहा लेते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन हमारा प्लान है कि नहा करके और मंदिर की तरफ चला जाए। बद्रीनाथ मंदिर हम आ चुके हैं, और ये पीछे आप देख रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर। और बद्रीनाथ यहाँ आने के बाद बहुत खुश हूँ, शब्द नहीं निकल रहे मुंह से, इतना ज्यादा खुश हूँ। बस आप लोग देखिए बारिश हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मेरे पास आज सब नहीं है कि मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। सुबह हो गई है और एक बार फिर से हम निकल चुके हैं सड़कों पे। रात को हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके आए थे, लेकिन रात को सिर्फ बाहर बाहर से दर्शन हुआ था, तो रात को तो हम अपने टेंट में वापस सो गए थे। लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर से हम रात की बारिश के बाद, अच्छी सुबह हुई है, धूप भी निकला है, और हम फिर से अब मंदिर की तरफ चल रहे हैं। प्रॉपर तरीके से पहले गर्म कुंड में स्नान किया जाएगा, और उसके बाद फिर हम पूजा पाठ करेंगे। लगभग सुबह के 8 बज चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह ठंड इतना ज़्यादा था। प्लान तो ये हमारा बना था कि हम सुबह करीब 4 बजे निकल करके चलेंगे, लेकिन रात को मुझे फीवर भी हो गया था, सर में दर्द भी था, जिसके कारण से हम लेट हुए, और सुबह करीब हम 8 बजे चले हैं मंदिर की तरफ। और हमें ये पता है कि भीड़ भाड़ तो बढ़ गया होगा, लाइन लग चुकी होगी, और ये बैठे हैं ये कंडी वाले, ये ले जाते हैं जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको। और ये शॉर्टकट रास्ता है मंदिर की तरफ जाने का, जिसके द्वारा हम लोग मंदिर पे जा रहे हैं। अलकनंदा नदी अपने पूरे, और ये हेलीकॉप्टर अपने चक्कर लगाने चालू कर दिए हैं, क्योंकि कुछ श्रद्धालु जो हैं कि देहरादून से या अन्य जगहों से हेलीकॉप्टर से भी आते हैं, और आगे चाइना बॉर्डर भी है यहाँ से आगे माना के बाद, तो सेना के भी हेलीकॉप्टर बराबर यहाँ गश्त लगाते रहे हैं। परंतु हम धीरे धीरे अपने
मंदिर की तरफ चल रहे हैं और जो बद्रीनाथ धाम का मंदिर है ये काफ़ी खूबसूरत वातावरण यहाँ पे है। पहाड़ों के बीच कुछ एरिया है समतल, और उन समतल एरिया में गाड़ी लगाने के लिए, पैदल चलने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पे, शांति है। कुछ जगहों पे तो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुका है कि वहाँ जाकर के आप परेशान हो जाएंगे, परंतु बद्रीनाथ धाम में आने के बाद आपको एक अलग अनुभूति मिलती है। बाज़ार में भी आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है यहाँ। गर्म कपड़े की दुकानें हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं है, यहाँ ठंडी है। और हम नीचे से आए हैं तो हमारे इधर तो टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास है, परंतु बद्रीनाथ धाम में आते आते ये टेम्परेचर गिर करके 3-4 के करीब है अभी। तो इसलिए यहाँ पे गर्म कपड़ों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। धीरे धीरे मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इन बाज़ारों को देखना एक अलग ही बात है। कई आश्रम हैं यहाँ पे, मानव कल्याण आश्रम और भी बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ से कि आपको रुकने की, खाने की सारी व्यवस्थाएँ मिल जाएंगी। तीर्थ स्थानों में ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति न तो भूखा रह सकता है और न बिना सोए हुए रह सकता है। गरीब हो अमीर हो, हर किसी के लिए यहाँ व्यवस्था है। और ये हमारे मित्र हैं जो कि सब हम लोग एक साथ, पहले हमने चारों धामों की यात्रा करी, गौमुख की भी यात्रा करी, और आज हम फिर से बद्रीनाथ धाम पे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छा है और बद्रीनाथ धाम अपने आप में जो बड़ा चार धाम है उसमें एक बद्रीनाथ धाम भी आता है। बद्री नारायण मंदिर, ये 7वीं और 9वीं सदी में इसका निर्माण होने का प्रमाण मिलता है, और मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र का रुख मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लगभग 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है। और अब हम गर्म कुंड में आ गए हैं। सुबह सुबह भीड़ थोड़ा कम है, गर्म कुंड में पानी इतना गर्म है कि उसमें डायरेक्ट अगर आप चले गए तो लगेगा कि पूरा शरीर ही जल गया। तो धीरे धीरे पहले हल्का हल्का पानी शरीर पर लेके टेम्परेचर बनाना पड़ता है। कुछ लोग पहले से नहा रहे हैं, मैं भी आ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा नहाऊँगा और नहाने के बाद फिर हम चलेंगे मंदिर की तरफ। स्नान हो गया है और यही सीढ़ी ऊपर मंदिर की तरफ जाती है, तो फटाफट स्नान करके पूजा पाठ करना है। और पूजा पाठ करने के बाद आज हम निकलने के भी सोच रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश की तरफ, और भी कई जगह जाना है। तो पहले नहा लिए और अब मंदिर की तरफ चलते हैं। तो यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है और रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाने लगा 1939 में इनको जाने लगा था। विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नलियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। और बद्रीनाथ मंदिर, जहाँ यह मंदिर स्थित है, हिंदुओं का पवित्र चार धाम के अतिरिक्त छोटे चार धामों में भी गिना जाता है, और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं,
भीड़ काफ़ी ज़्यादा है मंदिर में दर्शन के लिए, आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, परंतु मंदिर के आसपास की जो छटा है वो अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही मनोरम है। और ये अलकनंदा नदी मंदिर के बीचों बीच किनारे से ये जो बह रही हैं, एक साइड दुकानें हैं कुछ और दूसरी साइड मंदिर का पार्ट है, ये बीचों बीच शहर के बीचों बीच कह सकते हैं, ये अलग ही एक माहौल है। सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। और मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकट चार अन्य मंदिर, योग ध्यान मंदिर, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर तक आवागमन सुलभ करने के लिए वर्तमान में चार धाम महामार्ग और चार धाम रेलवे जैसी कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और यहाँ आने के बाद एक अलग ही अनुभूति हो रही है जो आपको दिख रहा है। इतना सुंदर और रमणीक वातावरण है, कभी कभी बीच बीच में हेलीकॉप्टर की आवाज़ और मंदिर के दर्शन, भगवान भक्तिमय माहौल। यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कभी हम यहाँ से जाएं ही नहीं, यहीं के हो जाएं। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है मंदिर में, ये मंदिर काफ़ी सजाया धजाया गया है। और मैं अब इस मंदिर के प्रांगण में ही बैठूँगा कम से कम 2-3 घंटा, कुछ ध्यान लगाऊँगा, उसके बाद ही वापस जाऊँगा, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हैं और 9 बजे अभी कहाँ जाऊँ मैं। तो आइए चलिए, आप दर्शन कीजिए और मैं थोड़ी देर बैठ करके यहाँ पे ध्यान लगाता हूँ। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे ब्लॉग में ऐसे ही धार्मिक जगहों की और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के अन्य दर्शनीय जगहों की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय भारत।